हे गाइस, अगर आपको इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करने में दिक्कत आ रही है किसी भी टाइप की, अगर कोई एरर आ रही है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप पेमेंट मेथड ऐड करते हो तो वहाँ पर एरर आती है, यहाँ पर अगर आप कोई बजट सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको एरर आ जाती है, तो प्रमोशन किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इंस्टाग्राम की ऐप में। तो आप जो है ये वाला अल्टरनेट मेथड जो है फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखें और आप इस वीडियो की मदद से अपने फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम के पोस्ट जो है वो प्रमोट कर पाएंगे। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है अगर आप फॉलो करोगे तो, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वीडियो को आप पूरा फॉलो ज़रूर करें। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए, होगा तो बेहतर होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर डेस्कटॉप मोड इनेबल करके भी आप कंप्यूटर का व्यू ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर फेसबुक लॉगिन कर लेना है आपके क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके। फेसबुक लॉगिन करने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है फेसबुक एड्स मैनेजर की, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर एक्चुअली होता क्या है, फेसबुक एड्स मैनेजर आपके सारे एड्स मैनेज करता है, चाहे वो फेसबुक के हों चाहे वो इंस्टाग्राम के हों। यानी कि जो भी आप प्रमोशन करते थे इंस्टाग्राम की ऐप से, वो सब कुछ यहीं से मैनेज होता है, और यहाँ पर सारे हिस्ट्री जो है जितने भी प्रमोशन हुए हैं वो यहाँ पर लिस्टेड होंगे। जैसे कि आप मेरे यहाँ पर प्रमोशंस देख सकते हैं, मैंने क्या क्या प्रमोशंस किए हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले साल से। ओके, सो ये फेसबुक एड्स मैनेजर है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि अगर आपके फेसबुक एड यानी कि आपके फेसबुक वॉलेट के अंदर 0 रुपए हैं, यानी कि बिल्कुल पैसा ऐड नहीं है, तो आप पहले पैसा ऐड करोगे तभी तो प्रमोशन होगा। तो हमें यहाँ पर ऊपर 3 लाइन्स पे टैप करना है, ये रहा, और यहाँ पर आपको जाना है बिलिंग वाले सेक्शन के अंदर। बिलिंग वाले सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका कितना पैसा कब कटा है, वो सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर पेमेंट सेटिंग्स में जाना है, ये रहा पेमेंट सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका जो बैलेंस है अवेलेबल 7 जून तक वो कितना है, 0 है। और नीचे आपको यहाँ पर एक ऐड मनी का बटन मिलेगा, उस पर आप टैप करो। टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस किस मेथड से अपना पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट भी मिलेगा, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना मिले, बट कुछ लोगों को मिल भी सकता है, मेरे पास है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को नहीं मिला है, उनका मैसेज भी आया था, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर यूज़ करके पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ पेमेंट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि 100 रुपये। ये स्टेप मैं स्किप करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन देखें कार्ड की। ओके, सो गाइज, मैंने यहाँ पर पेमेंट ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस जो है अब यहाँ पर 60 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी पेमेंट ऐड करना है आपके फेसबुक एड्स मैनेजर में, फेसबुक वॉलेट के अंदर। अब हमारा यहाँ पर फेसबुक एड्स मैनेजर का काम खत्म हो चुका है, हमको जाना है फिर से फेसबुक के अंदर। फेसबुक के अंदर जाने के बाद में आपको वो पेज ओपन करना है, फेसबुक पेज जो आपके इंस्टाग्राम से लिंक्ड है। ठीक है, तो आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा पेज लिंक्ड है, तो आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पेज का, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टेक डिशुम करके मेरा पेज है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टेक डिशुम और मैं अपने पेज को ओपन कर लूँगा। ये रहा मेरा पेज। ओके, सो ये मेरा फेसबुक पेज है, तो इसे आप एक बार ओपन होने दीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड सेंटर करके, ये रहा ऐड सेंटर करके पेज के पास, उस पर आप टैप करिए। टैप करने के बाद में आप यहाँ पर क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ऐड, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, उस पर आप टैप करिए। अब यहाँ पर आपको सारी पोस्ट अवेलेबल दिखेगी जो आपने ऐड की हुई है आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के अंदर। सो मैं यहाँ पर सी मोर करता हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर कोई भी अपनी एक पोस्ट जो है वो बूस्ट कर देता हूँ। ओके, जैसे कि ये वाली।
बूस्ट पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, यानी कि इस पोस्ट के आगे जो बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ है उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में आप यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस के अंदर क्या क्या होगा, ऑडियंस के अंदर आपको यहाँ पर एडिट करना होगा। एडिट करने के बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जेंडर, यानी कि आपको अगर मैन को ही शो करना है या फिर वुमेन को ही शो करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल रहने दीजिए यानी कि सबको शो होगा। एज ग्रुप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के अंदर लोगों को शो होगा, तो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। लोकेशन से आप यहाँ पर डाल सकते हैं राजस्थान, आप यहाँ पर गुजरात सिटी, आप अपनी सिटी भी डाल सकते हैं, जितनी जितना आपको रीच बढ़ाना है यहाँ पर आप डालोगे। कंट्री भी आप डाल सकते हो, इंडिया पाकिस्तान नेपाल, जहाँ जहाँ पर आपको आपका एड जो है वो शो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर राजस्थानी रहने देता हूँ। और नीचे आप यहाँ पर इंटरेस्ट आपका डाल सकते हैं, अगर आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट यानी कि किसी शॉपिंग रिलेटेड है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे शॉपिंग, ओके, तो यहाँ पर सारे सजेशंस आ जाएंगे इंटरेस्ट। और यहाँ पे आप सजेशंस में जाओगे तो आपको यहाँ पर और भी सजेशंस मिलेंगे शॉपिंग्स के, क्लोथिंग, फैशन एसेसरीज, ड्रेसेस, ज्वेलरी, ब्यूटी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो फिर उन इंटरेस्ट वाले लोगों को ही शो होगा। यानी कि ये बिल्कुल जो पूरा पेज है ना वो फिल्टर का है। आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट डाल सकते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर हटा देता हूँ शॉपिंग वाला फीचर क्योंकि मेरा नॉर्मल पोस्ट है। ओके, अब यहाँ पर मुझे सेव करना है। सेव करने के बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, नीचे आप जाइए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स मतलब आपका, पढ़ लेते हैं यहाँ पर, यूज़ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स टू मैक्सिमाइज योर बजट एंड हेल्प शो योर एड्स टू मोर पीपल। फेसबुक्स डिलीवरी सिस्टम विल अलोकेट योर एड सेट्स बजट अक्रॉस मल्टीपल प्लेसमेंट्स बेस्ड ऑन वेयर दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। यानी कि आप इसको अगर इनेबल कर दोगे तो फेसबुक अपने हिसाब से एड जो है किन लोगों को किस टाइम पर शो करना है तो वो मैनेज कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ड्यूरेशन और बजट हम अपना सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरेशन 10 दिन का है, मैं यहाँ पर एक दिन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बजट लगा देता हूँ 60। ओके, 60 नहीं मैं लगा देता हूँ 50। ओके, सो मैंने यहाँ पर 50 लगा दिया है। ध्यान रहे मैंने अपना बैलेंस कितना ऐड किया था, मैंने ऐड किया था 60 रुपये। यहाँ पर नीचे दिखा देगा, देखिए अवेलेबल बैलेंस जो है नीचे देखिए आप शो कर रहा है 60 रुपये हैं और मैंने लगाया है 50 रुपीज़, मैंने बजट लगाया है एक दिन के लिए। तो टैक्स मिलाकर टैक्स हो रहा है 9 रुपये, टैक्स हो रहा है, तो टोटल मिलाकर 59 रुपीज़ जो है मेरे इस एड में खर्च हो जाएंगे। ध्यान रहे टैक्स वाला सिस्टम पहले नहीं था इंस्टाग्राम में, बट अभी आ चुका है। ठीक है, कितने लोगों को शो होगा, 160 से 930 लोगों को मेरा पोस्ट शो हो सकता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने एक दिन के लिए लगाया है। 8 जून को मेरा जो ये प्रमोशन है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा बजट 50 रुपये है, टैक्स मिलाकर 59 रुपीज़ हो गया है और मेरा जो अवेलेबल बैलेंस था वो 60 रुपये है, तो ये इसमें से कट हो जाएगा, तो 1 रुपया बचेगा बाद में। और मैं इसे बूस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, मेरा जो एड अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मुझसे यहाँ पर मांग रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर मुझे GST नंबर तो ऐड नहीं करना है, बट पेन नंबर शायद मुझे ऐड करना पड़ सकता है, बट बेटर है मैं एक बार नाम ही रहने देता हूँ। गौरव बागोरा मेरा एड्रेस हो गया, राजस्थान हो गया, और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दूंगा। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर दीजिए, GST रहने दीजिए, पेन कार्ड एक बार रहने दीजिए, हम कंटिन्यू करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। आई थिंक हो चुका है, GST इन्फॉर्मेशन भी सेव हो चुकी है। ओके, तो ये सबमिट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई थिंक शायद हो जाना चाहिए। ओके, सो ये हो चुका है और इसलिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ चुका है और ओवरव्यू भी यहाँ पर आ चुका है। तो ओवरव्यू के अंदर अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटस जो है वो अभी इन रिव्यू है, यानी कि अभी हमारा जो एड है वो रिव्यू प्रोसेसिंग में है, रिव्यू होगा उसके बाद में यहाँ पर अगर एक्टिव आ जाएगा मतलब आपका जो एड है वो जो है अप्रूव्ड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखिए टोटल बजट भी आपको यहाँ पर शो कर दिया है अभी तक। अमाउंट स्पेंड का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एड चल रहा होगा तो वैसे वैसे यहाँ पर अमाउंट डिडक्ट होगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10, 15, 20। ठीक है, जैसे जैसे एड आपका परफॉर्म करेगा वैसे वैसे यहाँ पर आपको बजट जो आपका जो कटेगा वो यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारा जो एड है वो क्रिएट हुआ है 7 जून को, इसकी एंड डेट है 8 जून, क्रिएट मैंने किया है और पेमेंट मेथड जो अवेलेबल बैलेंस है उससे कटेगा।
ओके, आई होप कि आप लोग सब ये समझ गए होंगे। और एड जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो गाइज, एड क्रिएट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है अपने एड्स मैनेजर के अंदर, फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एड है अभी हमने जो क्रिएट किया है वो एक्टिव है, और एक्टिव सॉरी अभी रिव्यू में है। और यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है कि बजट हमारा कितना है, और सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं कि एंड कब होगा, 8 जून को एंड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपका जो रिव्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे जो है आप फेसबुक पेज से ही अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को बूस्ट कर पाओगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा। गाइस, यहां पर देख लेते हैं कि हमने अपने डेबिट कार्ड से अमाउंट तो ऐड किया था, तो हमारा क्या डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो सेव हुई है। तो हम फिर से जाएंगे बिलिंग के अंदर। बिलिंग के अंदर जाने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर पेमेंट सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारी डिटेल्स जो है वो सेव हुई है, सी मोर। ओके, तो हमारी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर इसको रिमूव करना है। तो हम इस रिमूव बटन पे क्लिक करके इसे हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमारा जो अब कार्ड डिटेल है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो ऐसे ही जो है अपनी डेबिट कार्ड की इन्फो भी आप डिलीट कर दीजिए एक बार अमाउंट ऐड करने के बाद में।